आप ईद के दिन ये मेकअप लुक इजीली ट्राई कर सकते हैं। आई होप आपको आज के वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। और आज के वीडियो में फुल शूट करने वाली हूँ हिंदी में, और मेरी हिंदी उतना भी अच्छा नहीं है, बट मैं बोल लेती हूँ। तो आप ये ईद में ज़रूर ट्राई कीजिए। ये मेकअप लुक बहुत ही ईजी है और बहुत ही कम प्रोडक्ट यूज़ करके मैं ये मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, और ये आप सिर्फ ईद में ही नहीं, कोई भी ओकेशन में भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। अभी जितना गर्मी पड़ रहा है, तो इसके लिए हम अपने फेस को एकदम प्रेप कर लेंगे। आइस क्यूब को अपने फुल फेस पे ऐसे मसाज कर लीजिए। इससे क्या होगा ना, आपको स्वेटिंग का अगर कोई प्रॉब्लम है, लाइक बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होता है, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा, उतना स्वेटिंग नहीं होगा। ये एक टिप्स है, तो इसका आप ज़रूर अप्लाई कीजिए और फिर देखिए रिजल्ट। मैं अपनी फुल फेस पे आइस रब कर चुकी हूँ। अभी इसको थोड़ा मुझे सुखाना पड़ेगा। मैं करूँगी मॉइस्चराइज़र, और आप जो भी मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं वो मॉइस्चराइज़र लेकर फुल फेस पे मसाज कर लीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू अप्लाई ऑन योर नेक, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। I am going to apply this Maybelline Fit Me foundation in the shade 128. बहुत ज़्यादा नहीं, एकदम थोड़ा सा फाउंडेशन मैं ले चुकी हूँ अब। और अब मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इसको ब्लेंड कर लूँगी, हल्के से मैं भिगा ली। नाउ आई एम ब्लेंडिंग इट। फाउंडेशन को अच्छे से पूरे मुंह पर ब्लेंड कर चुकी हूँ। अब मैं नेक्स्ट स्टेप क्या करूँगी, मैं कंसीलर ले रही हूँ। ये है मेरा मेबलिन का कंसीलर। मैं अपने अंडर आई और अपने थोड़ा फोरहेड और आईलिड पे दे रही हूँ। आप लोग जहाँ भी आपका कोई पिगमेंटेशन हो और कोई भी मार्क हो, तो वहाँ पे आप कंसीलर इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और नाउ आई एम ब्लेंडिंग इट विद द सेम ब्यूटी ब्लेंडर। बिफोर जजिंग माई एनी मेकअप स्किल, आई एम गोइंग टू से दैट आई एम नॉट अ प्रोफेशनल। सो मैं जैसे करती हूँ अपना खुद का मेकअप, मैं वैसे ही आप लोगों को दिखा रही हूँ। आई होप इट विल हेल्प यू गाइज। मैं फुल कंसीलर ब्लेंड कर चुकी हूँ। ये एकदम इवनली मेरे फुल फेस पे ब्लेंड हो चुका है। आपको थोड़ा सेट करने दे रही हूँ, क्योंकि एक के बाद एक मेकअप लगाने से थोड़ा टाइम, मतलब गैप नहीं रहने से क्या होगा, मेकअप इजीली क्रैक हो जाता है। तो उसको स्किप करने के लिए मैं थोड़ा चिल कर रही हूँ अभी। ये एंड गाइस, इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड वी आर वेरी नियर 200 पीपल फैमिली, सो गो एंड सब्सक्राइब। And you know what? I'm filming this video fan ना चला के। मैंने fan नहीं चलाया, मैंने AC भी नहीं चलाया, क्योंकि इससे sound आता है, इसलिए। So इतने मेहनत के लिए please जाओ और मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके आओ। So बहुत हो चुका है अभी। अभी मैं फुल मेकअप को सेट करने वाली हूँ with the loose powder. पाउडर के हेल्प से मैं अपना फुल मेकअप सेट कर रही हूँ अभी। और यू कैन यूज एनी कॉम्पैक्ट पाउडर ऑल्सो। आई एम डन, मतलब मेकअप से डन नहीं, मैं अभी अपना लूज पाउडर फुल सेट कर चुकी हूँ और ये सेट लग ही रहा है। अभी मैं अपना आईब्रो बना लेती हूँ पहले।
सो मैं आईब्रो बना रही हूँ इस ब्रश से। और अगर आपके पास कोई आईब्रो पेंसिल हो तो आप तो इजीली बना ही सकते हो, और अगर आप ब्रश यूज़ कर रहे हो, अगर आपके पास वो आईब्रो जो किट रहता है ना जिसके हेल्प से हम लोग आईब्रो बनाते हैं, वो मेरे पास भी नहीं है। तो अगर आपके पास भी नहीं है तो यू कैन टेक एनी काजल। सो आई एम टेकिंग दिस काजल फ्रॉम लोटस। जब भी आप आईब्रो करें तो मिडिल से स्टार्ट कीजिए, तो फिर ये अच्छा होता है। तो से स्टार्ट करने से क्या होता है, कभी कभी बहुत अजीब लगता है, बहुत आर्टिफिशियल लगता है, तो मैं तो ऐसे ही अप्लाई करती हूँ, आप भी ऐसे ही ट्राई कीजिए। लग रहा है ना एकदम रियल जैसा। तो ऐसे ही मैं इस आईब्रो पे भी कर लूंगी, मिडिल से स्टार्ट करके एंड तक चाहिए, फिर सामने आएंगे। मतलब बहुत बार होता है कि आईब्रो कर लिए बट इट्स लुक सो आर्टिफिशियल, सो वी डोंट वांट दैट। सो अप्लाई दिस मेथड एंड आई एम श्योर इट विल हेल्प यू। डन विथ माई आईब्रो। सो और एक स्टेप है आईब्रो के लिए, आपके पास अगर कोई भी लेफ्ट मस्कारा हो, लाइक मेरा ये वाला मेबलिन का मस्कारा सूख गया है, मतलब वैसे नहीं होता है, तो आप क्या कीजिएगा ना, आईब्रो करने के बाद इसके हेल्प से इसको जस्ट कॉम्ब कर दीजिए। लग रहा है ना और भी ज्यादा नेचुरल। सो ये टिप नंबर 3 है। अभी तक मैं आप लोगों को ऑलरेडी 3 टिप दे चुकी हूँ, पहले वाला आईज, सेकेंड वाला वेट योर ब्यूटी ब्लेंडर, देन ब्लेंड योर फाउंडेशन, एंड थर्ड वन इज दिस। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू कंटूर माय फेस। For that, what I'm using, I'm not using any contour palette or anything. What I'm using this lipstick from Maybelline, and in the color brown. And with the help of this, I'm going to contour my nose and some of my chin part. So let's get started. Have any contour kit or contour palette, then आप इन लाइक आपके पास कोई भी ब्राउन कलर के अगर लिपस्टिक हो तो आप उससे ईजीली कंट्योर कर सकते हैं। लाइक मेरे पास कोई कंट्योर किट और कंट्योर पैलेट नहीं है, तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, ये मेबलिन का लिपस्टिक है मेरे पास, इससे मैं अपना कंट्योर करती हूँ। तो ये ब्राउन कलर पर है, तो विद द हेल्प ऑफ माई फिंगर टिप्स, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो इससे मैं कॉन्ट्रोल करूँगी अपने नोज़ का। पहले अपना ये नोज़ ब्रिज जो है इसके साइड में और इधर थोड़ा मैं दे दूँगी। नाउ उसी फिंगर की मदद से मैं इसको ब्लेंड कर दे रही हूँ। देखिए मैं ऐसे और ऐसे दे चुकी हूँ, अब उसी की मदद, इसी फिंगर की मदद से मैं इसको ब्लेंड कर दूंगी। सी डन। एंड अभी मैं क्या करूंगी, अभी थोड़ा कंसीलर लेके इस मिडल में, मतलब इधर और इधर मैंने कंट्यूर किया, मिडल में मैं थोड़ा कंसीलर दे दूंगी। इससे क्या होगा ना, बहुत ज्यादा आइडियल लगेगा। सी लग रहा है ना एकदम रियल, एकदम बहुत ज्यादा तीखे वाला नोज। और अभी मैं इस पे थोड़ा हाइलाइटर इस वाले सेक्शन पे और इस वाले सेक्शन पे अप्लाई करूंगी।
लग रहा है ना एकदम रियल, बहुत अच्छा वाला नोज। तो ऐसे ही आप लोग भी कीजिए, ऐसे ही होते हैं। मेरे पास ये जैकलिन हिल का पैलेट है, इससे मैं करूँगी अपना आई शैडो आई मेकअप लुक। तो मैं रेड पहन रही हूँ आज, तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ हैवी नहीं करने वाली हूँ मेरे आईज़ के साथ। मैं आईज़ को एकदम सिंपल सेटअप रखूँगी। तो मैं पहले अपना ब्राउन कलर लेके अपने इस वाले सेक्शन पे एक कट बना रही हूँ ताकि मेरे आईज बहुत डिफाइंड लगे। सेम तरीके से मैं ऐसे ही इस वाले आईज पे भी कर रही हूँ, एक ब्राउन से लेके। देखिए मैं दिखाती हूँ, बहुत खराब हालत है मेरे पैलेट का। इस वाले ब्राउन को मैंने लिया, आपके पास कोई भी ब्राउन हो उससे भी आप कर सकते हैं। एक्चुअली मेरे पैलेट का हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है क्योंकि मैं बहुत दिनों से ये पैलेट यूज़ कर रही हूँ। तो सेम वे मतलब इस साइज में मैंने जैसे किया ऐसे ही इसमें भी करूँगी मैं। तो नाउ अभी मैं जो अप्लाई करूँगी वो होगा एक लाइट शिमरी शेड। मेरे हाइलाइटर का जो है उसमें से मैं ये वाला हाइलाइटिंग पैलेट से मैं ये वाला शेड लेके इस वाले पार्ट पे अप्लाई करूँगी। अभी मैं क्या करूंगी, आई एम कंफ्यूज्ड दैट विच कलर शुड आई यूज, लाइक दिस गोल्डन वन और द सिल्वर वन। आई थिंक सिल्वर वन ये बहुत अच्छी तरीके से जाएगा क्योंकि मेरे जो ड्रेस मैंने पहना है उस पर थोड़ा सिल्वर का काम भी है। तो आई एम यूजिंग दिस सिल्वर वन। आई एम जस्ट टेकिंग लाइक मैंने थोड़ा ही लिया और इसको अपने फिंगर के मदद से स्प्रेड कर दिया। Something like this, and same with the sides also. See, लग रहा है ना अच्छा। अभी मैं करने वाली हूँ एक हल्का सा रेड टोन में दूंगी क्योंकि थोड़ा तो मेरे ड्रेस पे रेड है। So I'm taking very little amount of red and I did something like this. So it's simple, but you look amazing. Thoda bahut apne eyelids par corners par to. अभी मैंने एक वाइट काजल लिया है और इससे मैं अपना वाटर लाइन की जस्ट कॉर्नर पार्ट को और अगर आपके पास वाइट काजल नहीं है देन यू कैन स्किप दिस पार्ट आल्सो। एंड देन व्हाट आई एम गोइंग टू डू, वेयर इज माय ब्रश,
problem with me. I don't know if you guys also do the same or not. Whenever, like, thousand years later. मैं क्या करूँगी, तभी मैं अपने आई शेडो पैलेट से ये ब्लैक कलर थोड़ा ले लूँगी और इसको अपने वाटर लाइन में थोड़ा मर्ज कर लूँगी। सेम विद दिस आई, लग रहा है ना बहुत मस्त। अभी तो बाकी है थोड़ा बहुत, तो अभी मैं अप्लाई करूंगी आईलाइनर। सो यहाँ पर मैं लैक्मे का आईलाइनर ले रही हूँ, ये मेरा फेवरेट आईलाइनर है। पॉकेट फ्रेंडली एंड बेस्ट। आई विल ड्रॉ अ सिंपल वी। Actually no, I'm not going to draw wing eyeliner. I will leave it as simple as I can. Same with this eyes also, but it's a very hard task to match your both eyeliner. Difficult task. So I'm done with my eyeliner. Now I'm going to apply this mascara from Maybelline. This is my most favorite mascara. It's amazing. बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा है ये वाला। Applying to my lower lashes. Done with my mascara. Now I'm going to apply blush, and for my blush I'm using this Maybelline lipstick in the shade red and number 03. इस लिपस्टिक को ही मैं एज अ ब्लश अप्लाई करूँगी। अगर आपके पास ब्लश नहीं हो, मेरे पास ब्लश है बट मैं लिपस्टिक को मैं ब्लश की तरह अप्लाई करने में ज़्यादा, मतलब मुझे अच्छा लगता है क्योंकि बहुत नेचुरल इफेक्ट आता है एंड बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है। आप लोग देख ही लीजिएगा, अगर आपके पास ब्लश नहीं है तो यू कैन यूज लिपस्टिक एज योर ब्लश, यू कैन सेव योर मनी। And red spot in this area. हो गया ना blush lipstick से। So अभी मैं apply करूँगी अपना highlighter with the help of my fingertips. बहुत ही काम का है ये fingertips. In this part. Look at the glow. Wow. And this highlighter is from Sweets Beauty. Pocket friendly and very good. Like, amazing. I have my Maybelline highlighter also, but I prefer this over that.
Now it's the time for the lipstick. So for my lipstick, I'm using this Maybelline lipstick. Same, like जो मैंने आपको ब्लश के लिए यूज़ किया है वही मैं अपने लिप्स में यूज़ करूँगी इन द कलर रेड. सो हियर वी आर. एट फर्स्ट ड्रॉ दिस वी. देन ड्रॉ दिस पार्ट. देन अप्लाई योर लिपस्टिक ऑन all over your lips. See. तो मैंने अपना लिपस्टिक अप्लाई कर चुकी हूँ. तो मेरा मेकअप हो गया है फुल कंप्लीट. और कुछ रह तो नहीं गया. नो, बस इतना ही. मैं फुल मेकअप कंप्लीट और जस्ट कुछ प्रोडक्ट यही कुछ प्रोडक्ट यूज़ करके आप इतना अच्छा एक लुक क्रिएट कर सकते हैं. अगर आपका आपके पास ब्लश नहीं है उसके सब्स्टिट्यूट मैंने दिखा दिया एनी पिंक और रेड कलर लिपस्टिक. और आपके पास अगर कॉन्टूर किट और कॉन्टूर पैलेट नहीं है तो यू कैन यूज एनी ब्राउन लिपस्टिक. एंड इफ यू डोंट हैव द आईब्रो पाउडर और एनीथिंग देन हैव टू टेक वन दिस टाइप ऑफ ब्रश विथ एंगल ब्रश मे बी. एंड यू कैन यूज योर काजल को लेना पड़ेगा एंड देन यू कैन इजीली अप्लाई योर फुल रेडी. अगर आपको भी ये लुक बहुत अच्छा लगे तो आप भी किसी भी ओकेशन पे ये लुक क्रिएट कर सकते हैं. और अगर आज के वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए. और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके जल्दी से कर दीजिए. आई होप आज का लुक और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे. तो फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ मज़ेदार और हेल्पफुल वीडियो लेके. तब तक के लिए टाटा.